height and distance plus Azad. क्वेश्चन आर मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा किसी पर्यवेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बनाता है जबकि इसके केंद्र के उन्नयन कोण बीटा डिग्री है, तो गुब्बारे के केंद्र कितनी ऊंचाई पर है? ये एक गुब्बारा है, इसका एक केंद्र है त्रिज्या आर, त्रिज्या आर मीटर त्रिज्या का एक गुब्बारा त्रिज्या आर मीटर किसी पर्यवेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री कोण बनाता है। आर मीटर का त्रिज्या किसी पर्यवेक्षक की आंख पर आंख हो गया आर डिग्री का कोण बनाता है, आर डिग्री का। और गुब्बारे से पर्यवेक्षक के बना कोण के बीच में केंद्र से मिलाया गया रेखा कोण को आधा भाग में बांटता है, ये वाली कोण अल्फा बटा टू डिग्री हो जाएगा, ये पूरी कोण अल्फा डिग्री होगा और ये हाफ अल्फा बटा टू डिग्री। क्वेश्चन आगे कहता है कि इसके केंद्र से उन्नयन कोण बीटा डिग्री है, केंद्र से सीधी रेखा खींचेंगे और इस पे मिलाएगा तो ई वाली पूरा कोण बीटा डिग्री होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉसेट अल्फा बाई टू बराबर कर्ण बटा आधार, केंद्र से उन्नयन कोण बीटा डिग्री है तो साइन बीटा डिग्री बराबर लाम बटा कर्ण यानी कि लाम हो गया बीसी यानी हो गया और कर्ण एसी यानी कि एच साइन बीटा बराबर लंब बटा कर्ण बीसी बटा एच बी एच बीसी बराबर एच साइन बीटा डिग्री तो बीसी बराबर एच का मान यहाँ रखने पर आर कॉसेक अल्फा बाई टू डिग्री इंटू साइन लंब निकालने के लिए आर कॉसेक अल्फा बाई टू डिग्री इंटू साइन थीटा डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी त्रिज्या आर है, एक पर्यवेक्षक की आंख पर 60 डिग्री का कोण बनाता है जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री और गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई क्या है?
डिग्री का कोण होगा, केंद्र से छत्तीस डिग्री का कोण है, ये कोण को आधा बांटता है, 30 डिग्री हो गया। फिर आगे जो किया जा रहा है, जबकि गुब्बारे के केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री, गुब्बारे का केंद्र का या केंद्र का गुब्बारे केंद्र का उन्नयन कोण 60 डिग्री। अभी आपको मान लो बताया गया था कि ऊंचाई गुब्बारे के केंद्र की ऊंचाई निकालने के लिए परपेंडिकुलर बराबर रूट थ्री आर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मीनार के आधार से ए और बी मीटर की दूरी पर दो बिंदु शिखर के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसके आधार से ए मीटर की दूरी पर यानी बी मीटर की दूरी पर जो कोण बनता है नयन कोण, ये दोनों आपस में पूरक है, यानी पूरक कोण बराबर पूरक कोण चाहिए। इसकी लंबाई मीनार की लंबाई एच मानने पर tan theta is equal to h बटा a, h बटा a, h is equal to a tan theta, इसलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वेशन नहीं, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच बटा बी, एच बटा बी, एच बराबर बी टेन 90 माइनस थीटा। इक्वेशन दो, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई टू, एच एच में गुणा करेगा, एच स्क्वायर बराबर ये सभी में ये भी टेन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये स्क्वायर बराबर ये भी और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन, ये इज इक्वल टू रूट अंडर
बैठा के एच बराबर ए बाई रूट थ्री, एच बराबर ए बाई रूट थ्री टेन एक हो गया, टेन साठ बराबर एच बटा बी यानी रूट थ्री बराबर एच बटा बी, एच बराबर रूट थ्री बी स्क्वायर और सोलह मीटर और नौ मीटर लंबाई वाले दो खंभे की बीच की दूरी x मीटर है, उनके आधार से शिखर के एक दूसरे के उन्नयन कोण परस्पर पूरक है x का मान ज्ञात करें। एक सोलह मीटर और एक नौ मीटर लंबाई के दो खंभे इसके बीच की दूरी x मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो खंभे जिनमें एक की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई से दोगुनी है एक दूसरे से एक मीटर की दूरी पर, यदि उनके तलों के जोड़ने वाला रेखा के मध्य बिंदु से उनके शीर्षों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो छोटे खंभे की ऊंचाई क्या होगी। Thank you.
2 बटा एच बाय 2। तो एच बाय 2 बराबर 2 बटा स्क्वायर बराबर 4 गुणे 8 हो जाएगा अपन में, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। एक्स बराबर रूट एंड है 8, एक्स एक्स इक्वल टू 2 रूट 2। छोटे भाई के लिए मैं लिखना एक के बराबर 2 रूट 2 को शॉर्ट क्वांटिटी। इस पर वैल्यू क्यों चाहिए, दोनों खमों के बीच की दूरी निकालने के लिए एक बराबर हो जाता है माध्य से दोनों की दूरी, एक 5 मीटर के ऊंचे ध्वज ध्वन 25 मीटर के ऊंचे इमारत पर खड़ा है। एक प्रेक्षक जो कि 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है पाता है कि ध्वज दंड और इमारत दोनों का बराबर कोण अवतरित करती है। प्रेक्षक से ध्वज दंड की दूरी ज्ञात करें। एक इमारत है 25 मीटर, यहाँ से एक ध्वज दंड से खड़ा है 20 मीटर 5 मीटर, जैसा कि होता है
2 theta का फॉर्मूला है, 2 tan theta बटा 1 minus tan cos theta, tan theta का मान रखने पर 2 minus tan theta का 1 5 बटा ये बटा 1 minus tan cos theta, tan cos theta का 5 बटा v का स्क्वायर पच्चीस बटा बीटा स्क्वायर पाँच दिन दस थी तीस बीटा से बीटा खत्म अरे हाँ वन ऊपर बचा और बीटा स्क्वायर चीन लेने पर बीटा स्क्वायर माइनस पच्चीस बराबर तीन बटा एक बीटा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर माइनस पच्चीस बराबर तीन बटा एक निकालने के लिए बीटा स्क्वायर माइनस पच्चीस बटा बीटा स्क्वायर बराबर तीन बटा एक क्रॉस मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर बटा बीटा स्क्वायर माइनस पच्चीस बराबर तीन बटा एक बीटा स्क्वायर बराबर फिर बीटा स्क्वायर माइनस पचहत्तर इस तरह तो माइनस टू बीटा स्क्वायर बराबर माइनस